बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की फिल्म साहो और छिछोरे लोगों को खूब पसंद आ रही है। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इतना ही नहीं, साहो ने तो वर्ल्ड वाइड लगभग 500 करोड़ रुपए का कारोबार किया। वहीं अब सुनने में आ रहा है कि श्रद्धा ने रामायण के लिए अजय और रणबीर कपूर की बेइज्जती कर डाली है। दरअसल हाल ही में खबरें आई थी कि श्रद्धा अजय देवगन और रणबीर की अनटाइटल फिल्म में नजर आने वाली थी, जिसे लव रंजन डायरेक्ट करने वाले हैं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि डायरेक्टर लव रंजन की फिल्म से श्रद्धा कपूर ने वॉकआउट कर दिया है। इसमें उन्हें दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर ये रोल मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रद्धा कपूर लव रंजन के प्रोजेक्ट से इसलिए अलग हुई है क्योंकि उन्हें डायरेक्टर नितेश तिवारी ने फिल्म रामायण के लिए अप्रोच किया था और वो इस फिल्म में काम करने के लिए एक्साइटेड भी हैं। कहा जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग के लिए डेट्स नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा भी श्रद्धा कपूर के पास और फिल्मों के ऑफर्स हैं। इन सभी की शूटिंग नितेश की फिल्म के शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अजय देवगन की फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। बता दें कि नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में श्रद्धा सीता के रोल में नजर आएंगी, वहीं राम के रोल के लिए ऋतिक को अप्रोच किया गया है। इसके अलावा रावण के रोल के लिए प्रभास को कास्ट किया जा सकता है। खबरों की माने तो फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपए है। बात करें श्रद्धा की आने वाली फिल्मों की तो अगले साल की शुरुआत में उनकी फिल्म स्ट्रीट डांसर 3 और बागी 3 रिलीज होने वाली है। पल देखने वाली बात तो अब ये होगी कि श्रद्धा के मना करने के बाद लव रंजन की फिल्म में अजय और रणबीर के साथ कौन से एक्ट्रेस को कास्ट किया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, श्रद्धा ने अजय के ऑफर को रिजेक्ट करके ठीक किया या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।